नमस्कार, आदाब। आपका मेरी अपनी महफिल में एक बार फिर इस्तकबाल है, स्वागत है। आजकल मैं आपको सुना रहा हूँ मिर्ज़ा अज़ीम बेग चुगताई का नावल कोलतार। आज इसकी 16वीं किस्त और गुड़ के लड्डू का अगला हिस्सा सुनिए। मैं सो गई। कितनी देर तक मैं सोती रही मैं कह नहीं सकती। मैं सो रही थी और गाफिल सो रही थी कि मैंने अपनी गर्दन के पास कुछ सोते और कुछ जागते में एक ठंडक सी महसूस की। गुनूदगी के आलम में कुछ मैं कुलबुलाई और कंबल को सर पर करने लगी कि यकायक मुझे वाकई की असलियत का इल्म हुआ। मेरे मुंह से मारे डर के एक चीख निकल गई, क्योंकि यह वाकया था कि एक यूरेशियन गार्ड मेरे मुंह पर हाथ रखे था। मैं उछल पड़ी और झटक कर अपना मुंह कंबल में छुपाकर बैठ गई। उसके जवाब में एक खौफनाक गुर्राहट की आवाज आई और उस कमबख्त ने इस जोर से कंबल पकड़कर झटका कि मेरा सारा सर और चेहरा खुल गया। उसने मेरा बायां हाथ अपनी आहिनी गिरफ्त में लिया और मुझे ऐसा मालूम हुआ कि जैसे बस मेरी कलाई टूटी। मैंने अपना सर दूसरे हाथ से ढका और मुंह अपना कंबल और घुटनों में छुपाया। मेरा दिल बल्लियों उछल रहा था और डर के मारे मेरा बुरा हाल था। मैं बेकल होकर बीच में बोल उठी और मैंने कहा, बहन फिर क्या हुआ, जल्दी बयान करो खुदा के लिए। फिरोजा ने कहा, तुम इत्मीनान से सुनो, घबराओ मत। वो मूजी उसी तरह मेरा हाथ मजबूती से पकड़े था कि अब उसने अपने दूसरे हाथ से मेरा सर उठाया और फिर मेरे मुंह से एक जोर की चीख निकली तो कमबख्त ने जोर से मेरा हाथ झटका और गुस्सा होकर कहा, अब के चीखेगी तो मार डालूंगा। क्या बताऊं बहन, मेरी जान ही निकल गई जब ये कहते हुए उसने बड़ा सा चाकू निकाल कर दिखाया और फिर कहा, मार डालूंगा जो आवाज निकाली। मैं अब ऐसी सहम गई कि गोया जान निकल गई। उसने मुझे इस तरह देखकर चाकू सामने वाली बेंच पर रख दिया और अब मेरे पास बैठ गया। मुझे उसके कुर्ब से इस कदर नफरत हुई और इस कदर डर लगा कि बयान से बाहर। मारे परेशानी के मेरे मुंह से चीख निकलते निकलते रह गई और अब मैं कोने की तरफ अपने को कंबल में लपेट कर सुकड़ गई कि जिस कदर उस मुजस्सिम गंदगी से हो दूर हो सकूं बेहतर होगा। उसके जवाब में हाथ तो मेरा उसकी गिरफ्त में था ही, उसने मुझे झटके के साथ अपनी तरफ घसीटा। डर के मारे अब तो चीख मैं निकाल ना सकती थी, लिहाजा मैंने भी इंतहाई जोर लगाकर उस मूजी से अलहदा रहना चाहा और हिम्मत करके अब मैंने गोया बिल्कुल मद्द मुकाबिल होकर कहा, तुम मुझे मारो नहीं, मैं सब रुपया पैसा जो मेरे पास है दे दूंगी। मैंने दीदो दानिश्ता ये कहा था, गो तजाहुल आरिफाना था। इस पर उसकी बाँछें खिल गई, उसका मनहूस चेहरा और भी ज्यादा मस्क हो गया और खड़खड़ाती हुई नहायत ही कड़ी आवाज में उसने कहा, बीबी मुझे रुपया नहीं चाहिए। इधर उसने
और ये और उधर मैंने देखा उसकी आंखों से शैतानियत और खबासत के शरारे निकल रहे थे। मैंने पूछा कि जब रुपया आपको नहीं लेना है तो फिर मुझे क्यों मारते हैं? इसका जवाब उस खबीस ने यह दिया कि अगर तुम चिल्लाओगे जो देखो वो चाकू रखा हुआ है, तुम्हारा गला काट डालूंगा, और चुप रहोगी तो कुछ ना कहूंगा। मैंने उसका जवाब दिया, खुदा के वास्ते मुझे छोड़ दीजिए, टिकट। मैं क्या बताऊं बहन, उसने इसका क्या जवाब दिया? उसने कहा, बीबी ना हम टिकट मांगते हैं और ना रुपया। ये कहकर कहा, हम तो तुमको मांगते हैं, और साथ ही मेरी गर्दन में हाथ डालकर जोर से मुझे ऐसा खींचा कि बस मुझे गोद में अपनी कर लिया। तमाम बुजदली को छोड़कर और मौत और जिंदगी का मामला समझकर बिजली की तरह चीख कर इस जोर से तड़पी के नीचे गिरी, और उसने मुझे एक जोर के साथ उठाकर बेंच पर इस जोर से पटखा के बयान से बाहर। मेरे मुंह से चीख पर चीख निकल रही थी। उसने मुझे बेकाबू कर ही लिया था कि जोर से किसी ने डब्बे के दरवाजे को एक नारे के साथ धक्का दिया, बदमाश कहकर गरज कर दरवाजे से बिजली की तरह एक नौजवान इस तेजी से निकला कि जब तक गार्ड संभले और होशियार हो, उस बलाए नागहानी का सामना करने के लिए तैयार हो, उसने लपक कर गार्ड की गर्दन पर इस जोर का मुक्का रसीद किया कि उसने एकदम से घबरा कर मुझे छोड़ दिया, और दोनों एक जबरदस्त और खूनी जंग में मशगूल हो गए। गार्ड भी मजबूत आदमी था, और मुझे छोड़कर वो अपने हमला आवर पर डपट कर बढ़ा और इस जोर से उस नौजवान के कंधे पर पूरी ताकत से घूंसा दिया है कि याद ही करते होंगे। अब दोनों में घूसम घूसा और हाथापाई हो रही थी। दोनों ताकतवर और मजबूत आदमी थे। नौजवान में अगर फुर्ती ज्यादा थी तो गार्ड में ताकत और बोझ ज्यादा था। गार्ड का घूंसा नहायत इत्मीनान से मगर जोर के साथ पड़ता था, मगर नौजवान की तेजी और फुर्ती काबिले दीद थी। मारपीट में उसकी कोशिश थी कि वो गार्ड से गुज जाए और लिपट पड़े, मगर गार्ड चूंकि जसीम और भारी भरकम आदमी था इसलिए लिपट पड़ना नामुमकिन था। इसी चपकलश के दौरान गार्ड ने एकदम से लपक कर अपना बड़ा सा चाकू उठा लिया जो सामने की बेंच पर रखा था, और इस जोर से भरपूर हाथ नौजवान के ऐन सीने पर मारा कि मैं देख ना सकी और मेरी आंखें अपने आप जैसे बंद हो गई और मैं चीख पड़ी। नौजवान ने मजबूरन चाकू का वार अपने बाएं हाथ पर लिया और गार्ड का हाथ पकड़ना चाहा। मैंने देखा चाकू नौजवान की हथेली पर पड़ा, मगर इतने में उसको मौका मिल गया, और कबल इसके के गार्ड अपने हमले की झोंक से संभले, नौजवान ने कमर में हाथ डालकर किस फुर्ती से टांग से उसकी टांग लड़ाई है कि बोरी की तरह वो गिरा और गर्दन दबाकर उसका सर बेंच के पाए में दे दिया। मगर गार्ड के हाथ में चाकू था, उसने अंधाधुन चाकू के हाथ चलाना शुरू किए, मगर नौजवान अब पुश्त पर था। उसने हाथ बचाकर गार्ड की कलाई पकड़ी और गर्दन को गार्ड की जोर से जूते से दबाकर हाथ मरोड़कर
चाकू छीन कर खिड़की से बाहर फेंक दिया और फिर गार्ड की गर्दन अच्छी तरह दबाकर जो उसने घूंसे लगाना शुरू किए तो मारते मारते गार्ड का मुंह तोड़ दिया। मुझे ऐसा मालूम हो रहा था कि नौजवान शायद पागल हो गए। किस गैज़ो गज़ब से उसने बुरी तरह गार्ड को मारा है कि मैं हिल हिल और दहल दहल गई और फिर मारना बंद न किया। मगर गार्ड भी मजबूत आदमी था। अब उसने जोर लगाकर उठना चाहा तो फिर उसने गजबनाक शेर की तरह गार्ड की गर्दन अपने जूते में दबाई और अंदर को बेंच के पाए में कोने की तरफ घुसेर दी और फिर वही दीवानों की तरह दे घूंसा उसको बुरी तरह मारना शुरू किया। गार्ड ने फिर करवट बदली और अब के जोर करके सर बाहर निकाल लिया और मैं समझी कि अब ये निकल आया। मगर उसने गार्ड को चित करके अब उसकी गर्दन जोर से अपने दाहिने पैर के जूते की एड़ी से दबाकर मस ली है कि गार्ड के हलक और नाक से ऐसी खौफनाक आवाज निकली है कि मैं समझी अब ये मरा। और नौजवान ने और भी जोर से उसका हलक दबाया। मेरे अब होश जाते रहे और अब तक मैं बुत की तरह बैठी थी। एकदम से चिल्ला उठी, खुदा के वास्ते गला मत घोटे। ये कहकर मैंने इंतहाई परेशानी में गार्ड की जान बचाने के लिए नौजवान का हाथ पकड़कर खींचा। उसका यह असर हुआ कि उसने पैर का दबाव जरा हल्का किया और मेरी तरफ देखा। मैंने बाजू छोड़ दी और कहा, खुदा के वास्ते आप तो मारे डाल रहे हैं, मार मत डालिएगा। नौजवान ने कुछ ना कहा मगर सर से पैर तक मुझे एक नजर भरकर गौर से देखा और फिर मेरे होलडाल का तस्मा पकड़कर खींचा जो ऊपर से लटक रहा था। उस तस्मे से गार्ड के दोनों हाथ मरोड़कर और अच्छी तरह काबू करके मुश्के कसी और छोड़कर एक दो ठोकरे कसकस कर लगाई। वो उठा तो उठते ही उसको सामने वाली बेंच पर जोर से ढकेल कर एक पूरी कुवत से उसके चाटा मारा कि उसका मुंह फिर गया, मेरे मुंह से फिर निकल गया। खुदा के वास्ते मेरे ऊपर रहम कीजिए, इनको मत मारिए, मेरा दिल परेशान हुआ जाता है। इसके जवाब में फिर उन्होंने मेरी तरफ गौर से देखा। ये इसी लायक है, मुझसे कहा, मुझे अफसोस है कि आपको तकलीफ पहुंची, अगले स्टेशन पर इसे पुलिस के हवाले करता हूं। मेरी तबीयत को अब कदर सुकून था क्योंकि मैं जानती थी कि अब मेरी जान और इज्जत महफूज है। मगर मेरी तबीयत की कमजोरी तो देखो, जब मुझे अपना डर ना रहा तो अब गार्ड पर बजाय गुस्से ये डर के मुझे एक तरह का रहम आ रहा था। उसको देख देख कर बेहद शर्म सी आ रही थी कि अपनी बेवकूफ़ी से कमबख्त मेरे बहाने से इतनी बुरी तरह मारा गया। चुनांचे जब उन्होंने कहा कि इसको आगे चलकर हवाले पुलिस कर दूंगा तो मैंने कहा, नहीं नहीं, इसकी ज़रूरत नहीं है, इन्हें काफ़ी सजा मिल चुकी है। मुझे बड़ा अजीब मालूम हो रहा है कि आपने इन्हें इतना मारा। मैं कंबल को अच्छी तरह ओढ़े लपेटे बैठी थी मगर मेरा चेहरा हज़्बे आदत पूरा का पूरा खुला था और मैं बातें कर रही थी। मेरे इतना कहने पर
उन्होंने फिर मेरी तरफ देखा और शायद ताज्जुब से देखा, मगर कबल इसके कि वो बोले, गार्ड ने कुछ दबी जबान में कहा, मैं नशे में था और अपनी सजा को पहुंचा, मुझे माफ कीजिएगा। इसके जवाब में उन्होंने फिर गुस्सा होकर घूंसा ताना और मारने को हुए कि मैंने एकदम से चिल्ला कर कहा, माफ कर दीजिए। वो रुक गए, मेरी तरफ फिर ताज्जुब से देखा, आप जाने, खता आपकी है, लेकिन माफ भी कर दिया जाए तो इसके ये मानी तो नहीं है कि इन्हें पुलिस बना दिया जाए। ये सुनकर गार्ड ने मेरी तरफ नहायती इज्जत से मुखातिब होकर कहा, मैं आपसे माफी का खास्तगार हूं, अगर आपने माफ ना किया तो मेरी और मेरी बीवी और बच्चे भूखे मर जाएंगे, मैं जेल भेज दिया जाऊंगा और मेरी नौकरी जाती रहेगी। बीवी बच्चों की परेशानी का ख्याल करके मैं बिल्कुल पिघल गई और मैंने कहा, मैं हरगिज़ नहीं चाहती कि आपकी बीवी और बच्चे परेशान हो। ये कहकर मैंने उनकी तरफ देखा और अब की बहुत अच्छी तरह और नजर जमाकर गौर से सर से पैर तक देखा। एकदम से मैं चौंक पड़ी क्योंकि मैंने देखा कि उनकी बाएं हथेली से खून बह रहा था जिसको वो आड़ में किए हुए थे। मैंने बेसाख्ता कहा, अरे ये आपके हाथ से खून बह रहा है। ये देख करके मैंने अब देख ही लिया है, उन्होंने लापरवाही से कहा, यूं ही सा कुछ जख्म आ गया है। ये कहकर हाथ ऊपर को किया, उसमें से तेजी से खून बह रहा था। मैं तो इसकी आदि ही ठहरी, मेरे लिए कोई नई बात न थी। मैंने कंबल अलहदा किया और कहा, लाइए मैं ड्रेसिंग कर दूं। वो नहीं नहीं करते रहे और मैंने जल्दी से सूटकेस खोलकर अपना सफरी डब्बा निकाला और उसमें से एक साफ पट्टी और लोशन की शीशी निकाली। मैं ये मुख्तसर सामान हमेशा अपने साथ रखती हूं। उसके बाद मैंने जग लेकर उनका हाथ धोया। वो नहीं नहीं करते रहे मगर मैं ना मानी और मैंने हाथ धोकर शीशी से लोशन लेकर कपड़े की गद्दी बनाकर नहायत ही चाबुक दस्ती से और सफाई के साथ पट्टी बांध दी। उन्होंने पट्टी को गौर से देखा और फिर मुझे देखा और कुछ मुस्कुराकर बोले, माफ कीजिएगा, आप तो पूरी डॉक्टर हैं। मैंने भी हंसकर कहा, पूरी तो नहीं, हाँ आधी जरूर हूं। मगर इस दौरान गार्ड साहब मुसलसल माफी मांगे जा रहे थे, बे इंतहा खुशामद कर रहे थे। मैंने उनकी तरफ देखा और काबिले रहम पाया, ना तो बहन मैंने कभी किसी पूरे मर्द को इस तरह पिटते देखा था और ना इस तरह गिड़गिड़ाते और आजी करते देखा था। शायद मेरे दिल की बात और मेरी कुदरती कमजोरी का गार्ड को पता चल गया था और वो बेंच से उतरकर घुटनों के बल मेरे सामने सर झुकाकर माफी मांगने लगा। मेरे लिए ये जरूरत से ज्यादा था। मैंने एकदम से कुछ परेशान सी होकर चिल्लाकर कहा, माफ किया मैंने। और फिर अपने मोहसिन से मैंने सिफारिश के तौर पर कहा, आप भी इनको माफ कर दें। गार्ड फिर अपनी जगह बैठ गया और बड़ी आजिशी से उनकी तरफ देख रहा था। उन्होंने कुछ तामुल के बाद मुझसे कहा,
जब आपने खुद इन्हें माफ कर दिया तो फिर मेरे लिए क्या गुंजाइश रह गई जो मैं इन पर सख्ती करूं। मगर इस तरह छोड़ देना अच्छा नहीं है, ये फिर इसी किस्म की हरकत करेंगे। हरगिज़ नहीं, हरगिज़ नहीं, गार्ड साहब बोले। मैंने भी कहा अब ये हरगिज़ ऐसा ना करेंगे, अगर इनमें ज़रा भी इंसानियत है तो ऐसी गलती इनसे फिर कभी सरजद ना होगी। मैं इनकी सिफारिश करती हूँ, आप भी इनके बीवी बच्चों पर रहम कीजिए। मेरी सिफारिश पर उन्होंने उठकर गार्ड साहब के हाथ खोल दिए और गार्ड साहब ने शुक्रिया और सलामों का लाम उतना ही पुल बांध दिया। लुत्फ तो देखो कि लगे मेरा पता मांगने। जवाब में उन्होंने इस बुरी तरह गार्ड साहब को घूरा है कि वो घबरा कर चुप हो गए। गाड़ी की रफ्तार में कमी हुई, उन्होंने कुछ रुकते हुए कुछ सर झुकाकर कुछ हकलाकर इंतहाई तकल्लुफ से मुझसे पूछा, माफ कीजिएगा, क्या आप मुझको अपना या अपने वालिद साहब का नाम या पता बता सकती हैं? आप शायद तालिब इल्म मालूम होती हैं। जी हाँ, मैंने कहा, मैं आगरा मेडिकल स्कूल में पढ़ती हूँ। और चौंक के एकदम से वो बात काटकर बोले, तो क्या आपका नाम फी? जी हाँ, मैंने कुछ ताज्जुब से कहा, जी हाँ, मेरा नाम फिरोजा है। मगर आपको कैसे मालूम हुआ? बस बहन, अब मैं क्या बताऊं कि क्या हुआ। एकदम से उनके चेहरे पर मतानत और संजीदगी इंतहाई दर्जे की छा गई, एक अजीब खामोशी तारी हो गई। बुत की तरह खड़े के खड़े रह गए, नीचे फर्श की तरफ उनकी निगाह थी। बजाय जवाब देने के मेरी तरफ मासूमियत से देखा। मैं कुछ मुताज्जिब से थी, मगर मैंने फिर पूछा, आपको मेरा नाम किसने बताया? मगर इसके जवाब में उन्होंने फिर अपनी नजर नीची कर ली और दो चार सेकंड के मुख्तसर वक्फे के बाद फिर मेरी तरफ कुछ मखमूम सा चेहरा बनाकर देखा। अब मुझे शुबा हुआ कि ये कौन है, लेकिन मैं कुछ डर सी गई कि इन्हें क्या हो गया। और मैंने उनकी हालत कुछ मुतगैर और चेहरा बेहद मुतासिर देखकर कहा, हैं, ये आपकी हालत? आप मेरी बात का जवाब भी नहीं देते। मैंने कुछ घबरा कर ये कहा, क्योंकि उनका चेहरा अजीब वहशत ज़दा हो रहा था। इसका उन्होंने जवाब दिया, लेकिन नहायत ही तलखी से, कि मैं शशदर रह गई। वो बोले, कुछ नहीं, मुझको मालूम, मैंने सुना था, आपको इससे क्या बहस? आखिरी अल्फाज इस कदर उन्होंने चींब जमी होकर कहे कि एक लड़की के लिए किसी तरह भी काबिल बर्दाश्त न थे। मैंने उस झुड़की को मुश्किल से बर्दाश्त किया, क्योंकि वो मेरे मोहसिन थे। और फिर मुझे शुबा हुआ कि शायद मोहसिन से भी ज़्यादा हैं, और इसी वजह से शायद मुझे इस तलखी से अजियत भी ज़्यादा हुई, क्योंकि बज़ाहिर कोई वजह ही नहीं थी। चुनांचे मुझे कुछ रोना सा आ गया। उन्होंने लापरवाही से खिड़की की तरफ झांकना शुरू किया। मैंने अपने आप को संभाल कर कहा, आप मुझको इससे भी ज़्यादा झिड़के तो मुझे कोई शिकायत नहीं, मैं उम्र भर आपकी एहसानमंद रहूंगी। खिलाफ तवक्को उन्होंने ज़रा भी मेरे
रंजीदा अल्फाज की तरफ तवज्जो न दी, जरा भी मुतासिर ना हुए, बल्कि चेहरे पर शदीद करखती आ गई, जैसे कि मुझे जलील व हकीर समझते। मैं अब कतई समझ गई कि यही मेरे मंगेतर हैं और मेरी इस आज़ादी और बेबाकी से तनहा सफ़र करने के सख्त खिलाफ हैं। मेरा दिल जैसे बैठ गया, लेकिन अब मैंने ये सोचकर कि मेरी उन्होंने जान और इज्जत बचाई है, लाओ इनसे तस्दीक करी लूँ और बन पड़े तो कायल भी कर लूँ। चुनांचे दिल में ये सोचकर मैंने आखिरी मरतबा उनसे पूछा, अपना नाम और पता कम अज कम मुझे बता दीजिए ना, ताकि मेरे वालिद साहब आपको शुक्रिया का खत लिख सकें। क्यों? मैंने उनके चेहरे को गौर से देखकर कहा, क्या आप मुझसे नफरत करते हैं? इसके जवाब में एकदम से उन्होंने जैसे चौंक कर मुझे घूर कर देखा, उनका चेहरा और करख्त हो गया और उन्होंने और भी सख्ती से हकारत आमेज नजरें मेरे ऊपर डाली। सर से पैर तक मुझे देखा, फिर देखा कि गाड़ी प्लेटफॉर्म पर आ गई और वो उसी तरह मुझे देखते रहे। एक झटके के साथ गाड़ी रुकी और जैसे वो चौंक से पड़े, और साथ ही गाड़ी रुकने के उन्होंने नहायत ही करख्त और तंजिया लहजे में जैसे कुछ बिगड़ कर मुझसे कहा, माफ कीजिएगा, बस आपसे नफरत करता हूं, या नहीं, इसका तो सवाल बेकार है, मगर यह वाकया है कि मैं सख्त कमीना हूं और आपको मुझसे नफरत है। मेरा नाम यूसुफ है। मेरे ऊपर एक बिजली सी गिरी और मेरे मुंह से एकदम निकला, अरे, और मैं हाथों से मुंह छुपाकर गोया बेंच पर गिर पड़ी। मुंह पर से जो हाथ हटाकर देखती हूं तो ना वहां गार्ड है और ना मिस्टर यूसुफ। बाहर खिड़की के झांक कर देखा तो एक वीरान सा स्टेशन था और किसी ने आवाज दी, पानी, हिंदू पानी। मैंने फिरोजा से कहा, मैं भी यही समझ रही थी कि तुम्हारे मंगेतर ही निकलेंगे। आज की किस्त यहीं ख़त्म करते हैं, कल फिर आऊँगा, आपको अगली किस्त सुनाऊँगा, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, आदाब।